भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन है और इस पृथ्वी तल के अध्ययन को करते हुए हम पृथ्वी के विभिन्न भागों के विवरण का प्रयत्न करते हैं। अतः भूगोल में क्षेत्र विवरण या क्षेत्र वर्णन की एक लंबी और महान विरासत रही है। इस क्षेत्र विवरण की परंपरा की शुरुआत जर्मन विद्वान रिस्थोफेन ने की थी। रिस्थोफेन के अनुसार भूगोल का अर्थ है, भूगोल की मूल उद्देश्य है पृथ्वी को छोटे छोटे प्रदेशों में भागों में बांटकर उसके लक्षणों को समझना और उन लक्षणों के आधार पर व्याख्या एवं वर्णन करना। रिस्थोफेन के बाद एक अन्य जर्मन भूगोलविद्ता हेटनर महोदय ने इस संबंध में सबसे ज़्यादा काम किया। अंग्रेजी में वितरण शब्द के लिए जो जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है कोरोग्राफी, अर्थात क्षेत्र विवरण या क्षेत्र वर्णन। हेटनर ने इस संबंध में बेहद महत्वपूर्ण कार्य किया है। हेटनर महोदय ने क्षेत्र विवरण की संकल्पना को अपनी विधि एवं दर्शन प्रदान किया। इन्होंने क्षेत्र अध्ययन के क्या उपागम हो सकते हैं, क्या विधियां हो सकती हैं, उस पर विस्तृत चर्चा की और इनके अध्ययनों का लाभ पश्चिमी यूरोप के अन्य विद्वानों ने उठाया और प्रादेशिक उपागम के रूप में भूगोल का बृहत्तर तरीके से विकास होता चला गया। अगर हम क्षेत्र विवरण की संकल्पना की शुरुआत को समझना चाहें तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जब हार्डसन ये बताते हैं कि विज्ञान के तीन अंग होते हैं, एक भौतिक विज्ञान या व्यवस्थित विज्ञान जिसके अंतर्गत हम भौतिकी, रसायन इत्यादि तत्वों के व्यवस्था को समझते हैं, उनके गुणों को समझने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे विज्ञान के क्रम में उन्होंने काल निर्धारण के विज्ञान को रखा, जिसमें हम ऐतिहासिक विकास क्रम को समझते हैं कि किस प्रकार मनुष्य ने गुफाओं से निकल करके आज तक की यात्रा की है। और तीसरे विज्ञान के रूप में वो क्षेत्र विवरण विज्ञान को रखते हैं। तो हार्डसन ने जो ये तीन विज्ञानों का वर्गीकरण किया उसमें से क्षेत्र विवरण विज्ञान आगे चल के कोरोलॉजी के रूप में बेहद प्रसिद्ध हुआ और भूगोल की महत्वपूर्ण संकल्पना के रूप में स्थापित हुआ है। क्षेत्र विवरण विज्ञान के अंतर्गत भूगोल, नक्षत्र विज्ञान एवं भू भौतिकी को सम्मिलित किया जाता है। और जब हार्डसन महोदय क्षेत्र विवरण को स्पष्ट कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि भूगोल में अगर स्थानों के मध्य संबद्धता को स्थापित नहीं किया जा सका तो यह सिर्फ सूचनाओं का संग्रह मात्र बनकर रह जाएगा। तो हार्डसन महोदय इस बात पर बेहद जोर देते हैं कि भूगोल क्षेत्रों का विवरण मात्र ना होकर के उनके मूल लक्षणों और उनके संबंधों की गहन पड़ताल करने वाला विज्ञान है। इसे एक सरल उदाहरण के द्वारा हम इस तरह समझ सकते हैं कि घर बनाने के लिए हमें ईंटा, सीमेंट, बालू, गिट्टी, रॉड इन सब की ज़रूरत पड़ती है। पर हम घर की जब संकल्पना करते हैं तो इन सब को सामूहिक रूप से एक साथ जोड़ कर देखते हैं, अलग अलग नहीं देखते हैं। तो ऐसा ही अगर हमें पृथ्वी के विज्ञान को समझना है तो हर स्थान पर पाए जाने वाले विशेषताओं, उसके विशेष लक्षणों को समझते हुए ही हम पृथ्वी का समग्रता में अध्ययन कर पाने में सफल हो सकेंगे। अतः किसी स्थान की विशेषता को समझने के लिए हमारे दिमाग में जो मेंटल इमेज बनती है, जो छवि बनती है और जो हमारा बोध परसेप्शन है, इन दोनों का महत्वपूर्ण रोल है। और इन्हीं के आधार पर हम प्रदेश की संकल्पना को, स्थान की संकल्पना को और आगे चल के क्षेत्र वितरण की संकल्पना को मूर्त रूप में समझ पाते हैं। जर्मन विद्वान हम्बोल्ट एवं रिटर ने क्षेत्र वितरण की विवरण की
के महत्व को समझते हुए अपने ग्रंथों और कॉस्मॉस और अर्धकुंडे में क्षेत्र विवरण को बेहद महत्वपूर्ण माना है और उसके लिए अलग अलग उदाहरणों के द्वारा ये समझाने का प्रयत्न किया है कि पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों की विशेषताओं और उनके विशेष लक्षणों का अध्ययन किया जाना ज्ञान के विकास के लिए बेहद अनिवार्य है। हम्बोल्ट के अनुसार पृथ्वी के अध्ययन एवं प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन में शुद्धता का होना बेहद जरूरी है और यह शुद्धता का होना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम क्षेत्र विवरण की संकल्पना को क्षेत्र विवरण को शुद्ध तरीके से दर्ज कर सकें और वहाँ के लक्षणों की हम स्पष्ट रूप से पहचान कर सकें। रिटर महोदय ने संपूर्ण पृथ्वी की एकता में दृढ़ता से विश्वास रखते हुए उसे विभिन्न उप प्रदेशों उपखंडों में विभाजित करते हुए पहले महाद्वीपों और महासागरों में और फिर उसके उप भागों में विभाजित कर उनकी पहचान उनके लक्षणों को जानने के प्रयत्न का प्रयत्न अपने ग्रंथ अर्धकुंडे में किया है। ब्लास महोदय ने क्षेत्र विवरण की संकल्पना को प्रादेशिक संकल्पना के रूप में स्वीकार करते हुए इसे भूगोल में सर्वव्यापी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय स्तर पर जो विशेषताएं हैं सांस्कृतिक लक्षणों की उनकी पहचान करने के लिए पेइस की संकल्पना भी प्रस्तुत की थी। अमरीकी भूगोलवेत्ता कार्ल सावर ने क्षेत्र विवरण की संकल्पना को और आगे बढ़ाते हुए उसे मानव गतिविधियों और मानव संस्कृतियों से जोड़ते हुए सांस्कृतिक दृश्यभूमि की संकल्पना के रूप में समझाने का प्रयत्न किया और इसे लेकर उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और उनके द्वारा निर्मित भू दृश्यों का विस्तार से वर्णन किया है। तो ये हमारे क्षेत्र विवरण की वितरण की संकल्पना थी। धन्यवाद।